हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर जो भी स्टडी मटेरियल या जो भी अपडेट एयरफोर्स नेवी एसएससी से जो भी अपडेट दिया जाएगा, जेन्युइन तरीका सही सही अपडेट दिया जाएगा। ये कोई फेक चैनल नहीं है, ये खुद का अपना चैनल है जिसे मैं चलाता हूँ। ठीक है, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। आज मैं कोस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड कब आएगा, फिजिकल कब होगा, जो नई वैकेंसी आई थी जिसका एप्लीकेशन प्रारंभ 22 जुलाई से 16 जुलाई तक आपका चला, एप्लीकेशन फ़ीस आपका 250 था। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएगा, फिजिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा, सब इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल बताने वाला हूं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो फर्स्ट 2022 बैच की वैकेंसी आई है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी हो गया, फिलअप हो गया। ठीक है, अब इसका एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड देखिए, एप्लीकेशन प्रारंभ और लास्ट डेट के 2 मंथ बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आने के बाद एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका जुलाई में आ गया, प्रारंभ हो गया और आपका लास्ट डेट भी ख़त्म हो गया, आपका जुलाई अगस्त सितंबर में आपका एडमिट कार्ड आएगा और कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड डीवी और जीडी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद 15 या 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद 15 या 20 दिन के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है 1 मंथ भी लगे, थोड़ा कोई दिक्कत होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन जेन्युइन तरीका है कि 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फिर 1 मंथ के बाद आपको रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए। फिजिकल होने के बाद आपको 1 मंथ के बाद मेडिकल बुलाया जाए। ठीक है, आपका 1 मंथ के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पर सब कुछ हो जाएगा। सीधे आपको फिर इनरोलमेंट फाइनल रिजल्ट आएगा, जिस मेडिकल होने के बाद 1 या 1.5 मंथ के बाद आपका इनरोलमेंट लिस्ट आएगा, जिसमें आप सेलेक्ट होंगे तो आपको ज्वाइनिंग लेटर 15 या 20 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। अब ये जेन्युइन सही सही मैंने कहाँ से बताया, ये आपका इनटेक फर्स्ट 2022 बैच था। अब इससे पहले आपका देख लीजिए, इनटेक सेकेंड 2021 बैच का एप्लीकेशन प्रारंभ हुआ था 5 जनवरी 2021 को, लास्ट डेट आपका 19 जनवरी 2021 शाम 6 बजे तक था। ठीक है, 250 पेमेंट था, इससे 6 मंथ पहले का ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपका एडमिट कार्ड जनवरी में फॉर्म फिलअप हुआ और एडमिट कार्ड आपका मार्च में आ गया, 2 मंथ बाद आपका परीक्षा होने वाला है, जान लीजिए। फिर इसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद 15-20 दिन के बाद आपका 1 मंथ के बाद थोड़ा दिक्कत होने के बाद 1 मंथ लग सकता है। ठीक है, इसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, सब हो जाएगा। बस हमारा यही कहने का तात्पर्य है इस वीडियो में कि आपका जो है 2 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी एंड जीडी का, तो आप मन से स्टडी कीजिए ताकि आप सलेक्शन हो जाएँ। एग्ज़ाम निकलने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, फिजिकल मेडिकल होता रहता है। ठीक है, तो तैयारी कीजिए ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट आपका निकले, एग्ज़ाम निकाले, उसके बाद फिजिकल मेडिकल आप देते रहेंगे। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा कि आपका सितंबर में इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।